बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में अभी तक हमने 3.2 एक्सरसाइज तक सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, और इसके अलावा हमने इंटीग्रेशन को बाय फार्मूलाज एंड यूजिंग थ्योरम्स कुछ रूल्स हमने पढ़े थे जिनको यूज करते हुए हमने 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व की है। ठीक है, अब कुछ ऐसे फंक्शंस भी आ सकते हैं जो जिनकी हमें समझ नहीं लग रही होती कि इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा या कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, तो उसमें हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन करके हमें समझ लगती है अच्छा ये फॉर्म बन चुकी है या ये फार्मूला बन चुका है या ये थ्योरम बन चुका है। ठीक है, तो इसमें हम इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, तो चलें उसको स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें ज्यादा क्लियर समझ आ जाए। सपोज एक फंक्शन हमारे पास है ए डी टी ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए टी प्लस बी, इसका इंटीग्रल साइन और डी टी की रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, डी टी लिखा हुआ है डिफरेंशियल। अच्छा, अब यहां पर तो ये एक सिंपल क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं लेकिन इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डायरेक्टली किस तरह से जो फार्मूलाज या थ्योरम्स हमने पढ़े हैं वो यूज करते हुए कैसे हम कर सकते हैं। तो सपोज अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि वन, ये 1/2 है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले जाएंगे इंटीग्रल साइन से, और ए बल्कि ऐसा करते हैं कि फंक्शन को भी ऊपर ले जाते हैं, ए टी प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी, नीचे 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 नेगेटिव हो जाएगी, और साथ में ए डी टी जो है ऑलरेडी न्यूमरेटर में मौजूद है ए इंटू डी टी। ठीक है, अच्छा अब यहां से आप देखें कि ए टी प्लस बी अगर आप इसको फंक्शन कंसिडर करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव आप ड्राइव करके देख लें, ए इसका डेरिवेटिव आएगा जो कि ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो फंक्शन के ऊपर पावर भी है, -1/2 को भी पावर हो सकती है। तो अब यहां पर हमने थ्योरम पढ़ा था कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो उसकी साथ में पावर हो एन और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, अगर एक्स की रिस्पेक्ट से अगर हम सॉल्व कर रहे हो तो होगा एफ ऑफ एक्स की पावर में एक इंक्रीमेंट कर देंगे एन प्लस वन हो जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे एन प्लस वन से। ठीक है, तो प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल होता है। लेकिन अब हमने सब्स्टिट्यूशन को यूज करना, अगर किसी को ये समझ नहीं आ रही होगी तो किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम रब कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम देखते हैं किस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्या चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये ए टी प्लस बी एक फंक्शन, इसको अलहदा से हम एक डिफरेंट फंक्शन यानी कि कंसिडर कर लेते हैं, सेपरेटली इसको ले लेते हैं। ठीक है, ए टी प्लस बी क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, इसकी वजह से ही जो ये फंक्शन टोटली ये वाला जो फंक्शन बन रहा है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है इस स्क्वायर रूट की वजह से। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है फंक्शन, उसको हम यू के इक्वल सपोज कर लेते हैं, से ए टी प्लस बी इज इक्वल टू यू, लेट ए टी प्लस बी इज इक्वल टू यू। तो अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, टू तो चले इस तरह से आ जाएगा और ए टी प्लस बी की जगह हमने यू सपोज कर लिया। अब ऊपर ए टी ए इंटू डी टी है। ठीक है, अब फंक्शन जो है वो किसका बन चुका है, यू का, पहले किसका था, टी का, टी पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो टी के रिस्पेक्ट से ही हम उसको जो है इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन अब फंक्शन जब यू का बन चुका है, यू पे डिपेंड कर रहा है, तो अब इसको इंटीग्रेट भी यू की रिस्पेक्ट से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डी यू आना चाहिए या जो भी आता है, तो वो कहां से आएगा, जिसको हमने जो सपोजिशन हमने की है उसको, उसका आप डिफरेंशियल ले लें। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेकर देखते हैं इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, ए टी, ये कांस्टेंट ए है, टी का 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, हम जो है इसका डिफरेंशिएट कर लें या फिर आप डिफरेंशियल ले लें, तो हर एक वेरिएबल को उसकी रिस्पेक्ट से ही डिफरेंशियल जो है लिया जाता है। तो ये बन जाएगा ए डी टी और ये सिर्फ कांस्टेंट है प्लस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू डी यू, यू का डिफरेंशियल डी यू। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप दोबारा से लेक्चर जो है इस चैप्टर के स्टार्ट के लेक्चर आप रिपीट करें। ठीक है, तो ए डी टी इज इक्वल टू आ चुका है डी यू। अब आप इस
के न्यूमरेटर में आप चेक करें, ये है ए डी टी, ये किसकी इक्वल आ चुका है डी यू के, यानी कि इसकी जगह हम डी यू को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आ गया डी यू। अब आप देखें ये बहुत सिंपल फंक्शन बन चुका है, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टेंट 1/2 है इसको भी मैं बाहर लेकर जाता हूँ। अब क्या आप इसको किस तरह से देखेंगे कि चलें u को भी हम ऊपर ले आते हैं, u की पावर नीचे 1/2 थी और न्यूमरेटर में आके -1/2 बन जाएगी और साथ में डी यू मौजूद है। तो अब इससे आसान मेरे ख्याल में कोई और इंटीग्रेशन ही होगी, क्योंकि आप देखें u की पावर n यानी कि -1/2 है और साथ में उसका यानी कि डेरिवेटिव अगर आप लें विद रिस्पेक्ट टू यू तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 मैं साथ लिख देता हूँ, ठीक है, 1 डी यू। तो ये देखें फंक्शन है उसकी पावर n और साथ में उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू डी यू जो है u के रिस्पेक्ट से हम इसको इंटीग्रेट करें तो डेरिवेटिव भी हम u के रिस्पेक्ट से ही देखेंगे इसका, ठीक है। इस वजह से u का डेरिवेटिव साथ में 1 मौजूद है, ठीक है। अब इसको वो थ्योरम अप्लाई करें जो कि हम पहले भी बहुत दफा अप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं, यू पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 और साथ में प्लस सी हम लिख देंगे, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि 1/2 हमने चले बाहर कॉमन लिया हुआ तो इसके साथ सी के साथ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ठीक है हम इस तरह से भी कर लेते हैं। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 1/2 यू पावर -1/2 + 1 क्या होगा, 1 में से हाफ को सेपरेट कर दें, निकाल दें, तो क्या बचता है, हाफ ही बचेगा ना, तो यू पावर 1/2 हो गया डिवाइडेड बाय ये भी वही 1/2 है, ठीक है, प्लस सी। अब यहां से देखें ये 1/2 जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, यू पावर 1/2 + c, या फिर आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ यू कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यू प्लस सी, ठीक है। अब देखें हमें शुरू में फंक्शन जो गिवन था वो टी की फॉर्म में था, ठीक है, मतलब टी का फंक्शन गिवन था, तो आंसर भी उसी में आना चाहिए। अब तो कन्वर्ट हो चुका है यू में, क्योंकि हमने सपोज किया था यू की सब्सटीट्यूशन की थी। तो अब ऐसा करते हैं कि जहां पर यू है उसकी जगह दोबारा से जिस फंक्शन को हमने सपोज किया था यू के इक्वल उसको रिप्लेस कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ए टी प्लस बी इक्वल टू यू हमने लिया था, अब यू की जगह हम ए टी प्लस बी पुट कर देते हैं, तो यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ यू है तो ये बन जाएगा ए टी प्लस बी का स्क्वायर रूट प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रल है इस फंक्शन का, ए टी ए डी टी डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टी प्लस बी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट भी उस तरह से फॉर्मूलाज को यूज करते हुए भी आपको इसको सॉल्व करके दिखाया और यहाँ पे सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व किया, तो सेम इसका जो है वो रिजल्ट आया, ठीक है। मतलब कि ये तो हमने एक आसान एग्जांपल की है, कॉम्प्लेक्स कुछ एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे आगे, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यानी कि एक्सरसाइज में, तो बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन हैं जिसके बारे में आपको समझ नहीं लग रही होती, वहां पर सब्सटीट्यूशन जो है बहुत काम आती हैं, फिर वहां से हम आसानी से समझ सकते हैं कि अब कौन सा यानी कि फॉर्म बन चुकी है हमारे फंक्शन की और कौन सा उस पर थ्योरम या फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैं कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेकर आता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल, यानी कि वो भी आसान ही है तकरीबन। तो फंक्शन है एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए, इसका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फंक्शन है एक्स का। अच्छा, अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे करेंगे, दो फंक्शन है, एक एक्स है एक एक्स माइनस ए का स्क्वायर रूट है, तो क्या ये एक दूसरे के यानी कि कोई एक फंक्शन कंसिडर करें तो दूसरा डेरिवेटिव बनता है, नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर इसको फंक्शन कंसिडर करें एक्स माइनस ए उसकी पावर 1/2 है चले तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये साथ में तो x मौजूद है, x को कंसिडर करें x का डेरिवेटिव भी 1 है, तो ये भी इसके साथ उसका डेरिवेटिव नहीं मौजूद, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर सब्सटीट्यूशन यूज करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें समझ नहीं लग रही कि हमने क्या करना है। तो सब्सटीट्यूट हम किसको करेंगे, एक तो ये बात भी तो है ना समझने वाली कि सब्सटीट्यूट हमने करना किसको है, देखिए किसकी वजह से जो है हमारा यानी कि फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, स्क्वायर रूट की वजह से। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है एक्स माइनस ए उसको आप सब्सटीट्यूट कर लें, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू यू भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप ले लें, लेकिन
ऐसा कि हमने पिछले एग्जांपल में यू यूज किया था, चले अब हम टी को यूज कर लेते हैं, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी, सपोज कर लेते हैं लेट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी। अच्छा उसके बाद चलें ये तो हो गया, अब उसको हमने जो है dx को भी चेंज करना होता है, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो बन जाएगा फंक्शन t की फॉर्म में, तो विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन भी विद रेस्पेक्ट टू फिर t ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम इस जो सब्स्टिट्यूशन हमने की है या जो सपोजिशन हमने की है उसी से हम करेंगे कि x इज इक्वल टू ए प्लस टी बन जाएगा, ये टी प्लस ए आप कह सकते हैं, ए प्लस टी। तो दोनों साइड पे इस इक्वेशन का डिफरेंशियल ले लें, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप डी एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं डी टी से, तो और उसके अलावा एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस टी से। ठीक है, तो चलें हम ये सारी जो है रिप्लेसमेंट करते हैं, एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए प्लस टी, तो हमारा फंक्शन ए प्लस टी बन जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए आपको नजर आ रहा है कि इक्वल है टी के। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर एक्स माइनस ए की जगह टी पुट कर देंगे और उसका इंटीग्रल साइन, और डी एक्स को आपने देखा किसके इक्वल है डी टी के, यानी कि इसको हम डी एक्स की जगह डी टी यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन भी टी की फॉर्म में आ गया और इंटीग्रेशन भी विद रेस्पेक्ट टू टी बन गई है। अब क्या हमारा फंक्शन जो है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है आगे, किस तरह से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब ये है t की पावर 1 बाय 2 और साथ में है a प्लस टी, अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि x माइनस a की पावर 1 बाय 2 थी, इसको हम अंदर लेके जाते हैं तो इसकी पावर 1 बाय 2 होनी चाहिए थी पहले। ठीक है, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, अब यहाँ पर तो हम कर सकते हैं बहुत आसानी से कि स्क्वायर रूट ऑफ टी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर रूट ऑफ टी बन जाएगा, प्लस टी के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो टी स्क्वायर रूट ऑफ टी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फंक्शन अब बन चुका है और विद रिस्पेक्ट टू dt हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब क्या करें, किस तरह से सॉल्व करें, अब दो फंक्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं और इसको इसके दरमियान सम, यानी कि प्लस का साइन है, दो फंक्शन का सम हो रहा हो तो कौन सा थ्योरम यूज होता है कि हम इन दोनों को अलहदा अलहदा इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ टी, चले स्क्वायर रूट ऑफ टी को भी हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं टी की पावर 1 बाई टू प्लस, अच्छा साथ में इंटीग्रल साइन अगर डाला है तो ये भी बताना है कि किसकी रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, डीटी है तो डीटी इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसके साथ इंटीग्रल टी इंटू टी की पावर 1 बाई टू और डीटी। ठीक है, इसको मैंने अलहदा अलहदा करके लिख दिया कि दोनों का हम अलहदा से इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ए तो आपको नजर आ रहा है कि कॉन्स्टेंट है, ये तो इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल साइन से। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ फिर क्या बच गया, टी पावर 1 बाई टू इंटू डी टी। ठीक है, प्लस अब ये टी इंटू टी की पावर यहां पर क्या है 1 है, ये टी की पावर 1 बाई टू है, तो दोनों की पावर्स हम ऐड कर लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, टर्म्स तो उनकी सेम, यानी कि सेम टर्म्स है, उनकी पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, बल्कि टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा टी पावर 3 बाई टू, यानी कि 1 प्लस 1 बाई टू 3 बाई टू होता है, तो उसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब तो बहुत आसान बन चुका है, अब देखें आपके सामने क्लियर हो चुका है, इस तरह के फंक्शंस आप पहले करते आए हैं सॉल्व। ठीक है, यानी कि पिछली एक्सरसाइज में हमने किए हैं सॉल्व, इंटीग्रेट किए हैं, यहाँ पर फर्क ये है सिर्फ यहाँ पर टी है, वहां पर एक्स होता था, तो टी है तो क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टी हमने इंटीग्रेट करना है ना, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, अगर टी का फंक्शन हो तो विद रिस्पेक्ट टू टी हम कर चुके हैं, तो इंटीग्रेट करना भी बहुत आसान है, बिल्कुल सेम है, कोई उसमें इश्यू नहीं आना चाहिए। तो सेम फार्मूला थ्योरम यहाँ पर यूज होगा कि ये फंक्शन है टी, उसकी पावर 1 बाय 2 है और साथ में उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से ये फंक्शन है टी और उसकी पावर 3 बाय 2 है और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है 1, तो वो थ्योरम हम यूज कर लेते हैं, 1 बाय 2 प्लस 1, 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1, और बाहर ए मौजूद है तो यहाँ पर ये ए भी लिख लेते हैं, प्लस टी पावर 3 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी पावर 3 बाय 2 प्लस 1, और इंटीग्रेट हमने कर लिया तो इस वजह से इनडेफिनेट इंटीग्रल है, प्लस सी आ जाएगा कॉन्स्टेंट। अब इसको हमने सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है, जो पावर्स ऐड हो रही हैं, यानी कि 1 बाय 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा, टी पावर 3 बाय 2
डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाय 3 और साथ में a भी मौजूद है, ठीक है। प्लस इसी तरह से 3 बाय 2 प्लस 1 5 बाय 2 बन जाएगा और साथ में 2 बाय 5 यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 बाय 2 आ रहा है तो उसको हम इस तरह से 2 बाय 5 भी साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मजीद इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। इसमें दो टर्म्स हैं हमारे पास, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, चलिए ये 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। उसके अलावा क्या है, टी पावर 3 बाय 2, छोटी पावर ये है, ये बड़ी पावर, ठीक है। तो इसको हम 3 बाय 2 जो है, टी पावर 3 बाय 2 इसको कॉमन ले लेते हैं भाई, तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फिर, ए बाय 3, ठीक है, टी पावर 3 बाय 2 और 2 तो बाहर कॉमन जा चुके, प्लस अब इसमें से क्या बचा, 2 बाहर जा चुके हैं, 1 ओवर 5 यहाँ रह गया, और 5 बाय 2 में से 3 बाय 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 बाय 2 पावर का जो टी है वो बाहर जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर टी की पावर क्या बनेगी, सिर्फ टी, क्यों, टी प्लस, अब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3 बाय 2 प्लस 1 5 बाय 2, दोबारा से यही टर्म बन जाएगी, ठीक है, और साथ में है प्लस सी, अच्छा। अब हम मजीद इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों को एलसीएम ले लें आप, 15 इसका एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर में 5 ए प्लस 3 टी इंटू 2 टी पावर 3 बाय 2 प्लस सी, अच्छा। अब यहां तक तो हमने चले सॉल्व कर लिया, लेकिन हमारे पास रिजल्ट में कैसा फंक्शन आया, टी का टी पे डिपेंडेंट है, यानी कि टी की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, तो टी यहाँ पर वेरिएबल, जबकि हमें जो फंक्शन गिवन था क्वेश्चन में जिसको हमने इंटीग्रेट करना था वो तो एक्स की फॉर्म में था, एक्स का फंक्शन था, तो हमने इसको दोबारा से यानी कि अपने रिजल्ट को एक्स के फॉर्म में ले जाना है, एक्स का फंक्शन बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। जब हमने सब्स्टिट्यूशन यूज की है टी की, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जहां जहां पर टी है उसकी जगह एक्स माइनस ए पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए पावर 3 बाय 2 इंटू 5 ए प्लस 3 इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय 15 प्लस सी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन आया है वो x की फॉर्म में आ चुका है और ये इंटीग्रेट भी हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं कि ये चले कांस्टेंट को अलग से बाहर ले आते हैं, 15 भी बाहर ले आते हैं, 1 और 15, तो ये 2 और 15 बन जाएगा, और उसके अलावा x माइनस ए की पावर है 3 बाय 2, बाकी ये बन जाएगा 5 ए प्लस 3 इंटू, बल्कि इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3x माइनस 3 बन जाएगा, 3x माइनस 3a प्लस सी, तो इसको सॉल्व करें, 5a माइनस 3a 2a बन जाएगा, तो 3x माइनस बल्कि प्लस 2a, क्योंकि 5a बड़ा है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो प्लस 2a, ठीक है, 3x प्लस 2a, और यहां पर है x माइनस a पावर 3 बाय 2 बाय 15 प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रल है, तो आगे तो हमने सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया, बल्कि हमारा इंटीग्रल तो पहले हो चुका था, यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर चुके थे, ठीक है। तो इसके बाद हमने टी को रिप्लेस किया थोड़ा सा सॉल्व करके उसको, ठीक है। तो टी को एंड पे आपने रिप्लेस करना है जिस जो आपने सब्स्टिट्यूशन पहले यूज की थी, ताकि जिस फॉर्म में या जिसका फंक्शन हमें शुरू में गिवन था, जिस वेरिएबल का फंक्शन हमें गिवन था, उसी वेरिएबल के फंक्शन में हम उसका रिजल्ट भी दें, ठीक है। तो ये हमें करना चाहिए। उसके अलावा यानी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम क्या यूज कर रहे हैं, जो हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन नजर आ रहा है, ठीक है, उसमें उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसी और वेरिएबल के, सिंगल वेरिएबल के, यानी कि एक्स माइनस ए था ना, तो उसको हमने सिंगल वेरिएबल टी के इक्वल जो है वो सपोज कर लिया, और वहां से हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूशन करके हमारा फंक्शन जो है वो हमारा आसान बन गया, और उसको इंटीग्रेट करना और भी आसान हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर ये था सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सिंपल सी सिंपल सा लेक्चर था, ठीक है, बहुत आसान था। तो
ये बहुत ही यूज होता है इंटीग्रेशन में, क्योंकि आगे अभी तक तो हमने बहुत सिंपल से फंक्शंस पढ़े हैं, बहुत आसान आसान फंक्शंस पढ़े हैं, उसको इंटीग्रेट किया, लेकिन आगे मजीद आगे हम जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है फंक्शंस आते जाएंगे जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो वहां पर इस सब्स्टिट्यूशन का बहुत यूज होगा, ठीक है, उनको सिंपल बनाने में, उन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल बनाने में और फिर उनको समझने में कि किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए। तो यहाँ पर यह सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर एंड होता है और लेक्चर का टाइम भी खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम कुछ यूजफुल जो सब्स्टिट्यूशन है वो देखेंगे।